नीना गुप्ता की बायोग्राफी करीना से बातचीत में एक्ट्रेस ने उस शादी का किया जिक्र जो नहीं हो सकी। हाल ही में एक्ट्रेस नीना गुप्ता की ऑटोबायोग्राफी सच कहूं तो लॉन्च हुई। इस दौरान एक्ट्रेस ने अपनी लाइफ पर खुलकर बात की है। आइए जानते हैं एक्ट्रेस ने क्या क्या कहा है। नीना गुप्ता का जन्म 4 जून 1959 दिल्ली में हुआ था। उनके पिता का नाम आर.एन. गुप्ता है। उन्होंने अपनी स्कूलिंग सनावर लॉरेंस स्कूल हिमाचल प्रदेश से की है। उनकी मां चाहती थी कि वे आगे जाकर एक आईएएस ऑफिसर बने, लेकिन वह एक अभिनेत्री बन गई। बहुत कम लोग जानते हैं कि नीना को करियर में सफलता गाने चोली के पीछे क्या है से मिली। इस गाने के बाद वह कई बेहतरीन फिल्मों में नजर आई, जैसे दो यारों, मंडी, त्रिकाल, गांधी आदि। अभिनेत्री ने अपने करियर में बहुत सा वेब सीरीज में भी काम किया है। हाल ही में आई अभिनेत्री की वेब सीरीज पंचायत 2 फीट है, जिसमें उनके रोल को बहुत सराहा गया है। बॉलीवुड की दमदार और टैलेंटेड एक्ट्रेस नीना गुप्ता को आज किसी परिचय की जरूरत नहीं है। नीना ने फिल्मों में जिस किसी किरदार को निभाया है, उसमें जान फूंकने का काम किया है। हालांकि ये बात भी सच है कि एक्ट्रेस की प्रोफेशनल लाइफ जितना चर्चा में रहती है, उससे कहीं ज्यादा वह अपने पर्सनल लाइफ को लेकर लाइमलाइट में रहती हैं। सिंगल मदर से लेकर 49 साल की उम्र में शादी करने को लेकर एक्ट्रेस की निजी जिंदगी वाकई बेहद अलग है। हाल ही में नीना गुप्ता की ऑटोबायोग्राफी सच कहूं तो को एक्ट्रेस करीना कपूर खान ने लॉन्च किया। इसके साथ ही करीना ने इंस्टाग्राम पर नीना से बातचीत भी की, जिसका एक वीडियो नीना गुप्ता ने शेयर किया है। इसमें नीना अपने अकेलेपन पर खुलकर चर्चा करती हैं। आइए आपको बताते हैं इसके बारे में। एक ऐसी एक्ट्रेस जो शादी के पहले बनी माँ, 49 साल में हुआ प्यार और रचाई शादी। पहले आइए आपको नीना गुप्ता की पर्सनल लाइफ के बारे में संक्षिप्त रूप में जानकारी दे देते हैं। नीना 80 के दशक में वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर सर विवियन रिचर्ड्स के साथ रिलेशनशिप में रही थी, लेकिन दोनों की शादी नहीं हुई थी। नीना और विवियन रिचर्ड्स की एक बेटी भी है, जिनका नाम मसाबा है। मसाबा एक फेमस फैशन डिजाइनर हैं। नीना ने अपनी बेटी मसाबा को सिंगल मदर के तौर पर बड़ा किया है। वहीं नीना गुप्ता को 42 साल की उम्र में सच्चा प्यार मिला था। एक्ट्रेस ने साल 2008 में दिल्ली के चार्टेड अकाउंटेंट विवेक मेहरा से अमेरिका में शादी की थी। दोनों की पहली मुलाकात साल 2002 में एक फ्लाइट में हुई थी, जिसके बाद दोनों की दोस्ती हुई और धीरे धीरे प्यार हो गया। नीना और विवेक ने एक दूसरे को 6 साल तक डेट किया और फिर शादी रचाई थी। वहीं अब ये कपल एक दूसरे के साथ बेहद खुश नजर आता है। दरअसल 14 जून 2021 को नीना गुप्ता ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक्ट्रेस करीना कपूर संग बातचीत का एक वीडियो शेयर किया है। वीडियो में अपनी लाइफ में अफेयर्स के बारे में बातचीत करते हुए नीना कहती हैं कि कुछ छोटे अफेयर्स के अलावा उनका असल में कोई साथी नहीं रहा जब वह मुंबई आई। नीना ने करीना से कहा, जब मैं बुक लिख रही थी, मैंने महसूस किया कि मेरे अच्छे वर्षों में मैं बिना प्रेमी या पति के थी। फिर मैं यहाँ आई, कुछ अफेयर्स हुए, लेकिन कोई भी पूरा नहीं हो सका। कुल मिलाकर मैं पूरी तरह से अकेली थी। वहीं नीना ने अपने पहले प्यार विवियन से मुलाकात के बारे में बात करते हुए कहा कि विवियन बहुत दूर थे और उनकी अपनी लाइफ थी। हम कभी कभी ही मिलते थे। बातचीत के दौरान नीना ने अपनी लाइफ की एक स्टोरी भी बताई, जब आखिरी मिनट पर उनकी शादी कैंसिल हो गई थी। नीना बताती है कि आज तक मुझे नहीं मालूम कि क्या हुआ था, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, मैं मूव ऑन हो गई। मुझे अच्छा लगता अगर उससे शादी होती। उसके माता पिता के लिए बहुत सम्मान है, मैं उनके घर में रहती थी। वह ये सब पढ़ने जा रहा है, वह जीवित है और शादीशुदा जिंदगी में खुश है।
आगे नीना कहती हैं कि लोग कहते हैं कि मैं अपनी जिंदगी अपने शर्तों पर जीती हूँ। असल में मैं ऐसी नहीं हूँ। मुझसे भी गलती हुई, मैंने माना और आगे बढ़ गई। मैं एक नॉर्मल पति, बच्चे और ससुराल वाले चाहती थी। जब मैं दूसरे लोगों को देखती हूँ, मुझे थोड़ी जलन होती है। मैं आरोप नहीं लगा रही हूँ और ना ही दोष दे रही हूँ। मुझे शराब की लत नहीं लगी क्योंकि जो मैं चाहती थी वो मुझे नहीं मिला। यहाँ आपको ये बता दें कि नीना गुप्ता की बायोग्राफी सच कहूँ तो मैं लोगों को उनके सिंगल पेरेंटहुड के सफर, इंडस्ट्री में होने वाली पॉलिटिक्स, कास्टिंग काउच के अलावा एक यंग एक्टर को बिना गॉडफादर के सरवाइव करने में कैसी मुश्किलें होती हैं, इन सब के बारे में पढ़ने को मिलेगा। फिलहाल नीना गुप्ता इन दिनों अपने पति विवेक मेहरा के साथ खुशहाल जिंदगी बिता रही हैं। तो आपको एक्ट्रेस की लाइफ के बारे में जानकर कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।